दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पोर्टल की मदद से आप एक नए वोटर कार्ड को ऑनलाइन घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जो नए वोटर कार्ड है वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएंगे और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नए पोर्टल कौन सा है और इसके थ्रू आप कैसे एक नए वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नए वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर का गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड सर्च करना है वोटर सर्विस पोर्टल। तो सबसे पहले वाले जो लिंक आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल इस तरह ओपन हो जाएगा और इस पोर्टल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिंपली साइन अप के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपके सामने साइन अप पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है एंड सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, नीचे सरनेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके मनपसंद से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है एंड उसी पासवर्ड को कंफर्म के लिए दोबारा आपको यहाँ पे फिल करना है एंड रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर साइन अप हो जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे पासवर्ड फिल करना है जो अभी आपने बनाया है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है एंड रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है एंड वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आप सक्सेसफुली वोटर सर्विस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वोटर कार्ड डाउनलोड करना है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे ई एपिक डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर एंड फॉर्म रेफरेंस नंबर यानी वोटर कार्ड अप्लाई करने के बाद जो रेफरेंस नंबर मिला है उसके थ्रू आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास वोटर आईडी नंबर है तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नीचे स्टेट फिल करना है एंड सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो नीचे आपका वोटर कार्ड का पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एपिक नंबर, आपका नाम, रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोटर कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे आपका वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा एंड यहाँ पे नीचे एपिक डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपका कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा एंड आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज भी शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का एक लोगो, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो पीडीएफ में डाउनलोड हो चुके हैं और आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका वोटर आईडी कार्ड कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।